अभी मौसम विभाग ने कहा है कि 2-3 दिन तूफान आएंगे, घर वाली को छत पर खड़ा रखो कि तूफान से तूफान ही लड़ सकता है। बात ठीक है, पक्की बात है? तो ये हालत अभी तूफान से लड़ लड़ के हो गई है, यही हाल है। तुम तो थोड़े दिन में दिखना बंद हो जाओगे ये हाल देख के। तो चलो ठीक है जी, तो ऐसा करो बचने के लिए घर वाली छत पर खड़ी करके रखो, तूफान से तूफान ही लड़ सकता है जी। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सहमत है। ये बाल इसलिए उड़ गए तूफान से लड़ रहे इसी वजह से उड़े जी। कैसी लड़ाई होती है अभी, किस टाइप की? नहीं अभी मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मैं जो आस पास के लोग जैसे तो बाल उड़ने का पूरा मामला चल रहा है, थोड़े दिन में तो आप ही पूल टेबल खेल रहे हैं और शादी तो फिर गई। बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। इसलिए घर वाले को छत पे खड़ी कर दो, तूफान से तूफान ही लड़ सकता है। सहमत हो इस बात से? नहीं हो? कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, नहीं कह सकते नहीं। इसलिए घर वाले छत पे रखो क्योंकि तूफान से तूफान ही लड़ सके। हाँ सही बोला, सही बोला, बिल्कुल सही बोला। आपको देख के लग रहा है तूफान से लड़ रहे हो पिछले कई सालों से। मैं तो बहुत 30 साल से लड़ रहा हूँ। 30 साल से तूफान से लड़ने वाला आदमी हमें मिला, देखिए। मौसम विभाग ने कहा कि भाई तूफान आने वाला है 3 दिन, तो इसलिए अपनी जो वाइफ है धर्मपत्नी है, आप धर्मपत्नी है? हाँ, तो कह रहे धर्मपत्नी को छत पे खड़ा रखो क्योंकि तूफान से तूफान ही लड़ सकता है। समय समय पे ऐसा कुछ होता भाई, तूफान से तूफान ही लड़ सकता है। तो आप तूफान मानते हैं मतलब भाभी को? नहीं तूफान नहीं मानते, मैं जैसा समय आता वैसा करता। अच्छा बवंडर भी हो जाता है क्या? क्यों भाभी, झगड़ा होता है क्या? नहीं झगड़ा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी हो जाता है, तो जाकर नोक झोंक ना हो तो मजा क्या है? मजा क्या है? ऐसे नोक झोंक भी प्यार को थोड़ा ज्यादा बढ़ाता है, बढ़ रहा है। तो वैलेंटाइन डे को कहां ले जा रहे हो भाभी को? अभी तो डीएलए मॉल घुमा के लेके जा रहा हूं। मॉल घुमा दिया जी, वैलेंटाइन डे को भी घुमाओ। आज चॉकलेट डे, चॉकलेट दो, फूल दो, पिज्जा उजा तो खिलाया मैंने। आप अभी ठीक है, कर दिया काम अभी? हाँ। फिर तो कर दे, हैप्पी है? चलो ठीक है। पूछ रहे हैं अभी मौसम विभाग ने कहा भाई तूफान आने वाला है 3 दिन, तो अपने घर वाली छत पर खड़े रखो कि तूफान से तूफान ही लड़ सकता है। हैं क्या सर, सुना ही नहीं? हम यहाँ बेवकूफ के बच्चे हैं, हम इतना भोंक भोंक के सुना रहे हैं। घर वाली को कर दो छत पर खड़ा क्योंकि तूफान से तूफान ही लड़ सकता है। हाँ, सही बात है। शादी हो गई? हाँ जी। तुम भी तूफान झेल रहे हो मतलब? कितने साल हो गए शादी को? चार साल में तुम्हारा क्या हाल कर दिया? 5-7 साल में दिखना बंद हो जाओगे भाई। हाँ